गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज के हमारे सेशन में हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़िंग ऑफ 13 अगस्त। तो जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड गाइस, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है टिल 16th of August। पेंडलम ईडीयू की जितनी भी ई बुक्स हैं उसके लिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द कोड आप यूज़ करेंगे इंडिया। इस प्रोमो कोड को यूज़ करने के बाद आपको 30% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल ई बुक्स ऑफ पेंडलम ईडीयू, चाहे आपकी क्वेश्चन आंसर्स की करंट अफेयर्स बुक हो, चाहे हाफ ईयरली करंट अफेयर्स बुक हो विच इज़ अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, कोई भी हो आपको उसमें 30% ऑफ मिलेगा। तो गाइज, आज ही इस ऑफर को अवेल करिए और इन बुक्स को परचेज करिए, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वर्ड ऑफ विजडम हम लोग देख लेते हैं। सो गाइज, आज के लिए मैं ही आपको वर्ड ऑफ विजडम बताती हूँ कि अगर आपने जीवन में कुछ भी ठाना है कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो उसको जो है पूरी शिद्दत से उसके लिए मेहनत करिए, आप उसको ज़रूर अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने सोचा, आपने संकल्प लिया कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी, लेकिन विश्वास की कमी रही वहाँ पर, विश्वास अपने ऊपर नहीं रखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखा, तो आप उसको कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो संकल्प करना पहले ज़रूरी है, आपने जो भी गोल अपना सेट किया है पहले वो गोल सेट करिए, फिर उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ आप उसको अचीव कर सकते हैं। इस पॉजिटिव थॉट के साथ जब आप प्रोसीड करते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, पहले प्रीवियस डे के रिविजन से हम लोग शुरुआत करेंगे। सो हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं, वी हैव विद अस सचिन, प्रियांशी, नरसिम्हा, तान्या, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल आंसर आ चुका है यहाँ पे आज पहले ही। यस राइट, राजीव, नरसिम्हा राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ वन ओनली। तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि एडिबल ऑयल को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तान्या राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली कॉमोडोर कसर गोड पटना शेटी गोपाल राव पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94। ही फॉट द डैश इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, कारगिल वॉर, इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1947 एंड साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। यस, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। यस तान्या, प्रियांशी राइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यस राजीव राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द 127th अमेंडमेंट बिल 2021। सो इसमें जो भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की पावर है टू मेक देयर ओन ओबीसीज लिस्ट, इसको वापस से रीस्टोर कर दिया गया है। इसमें आर्टिकल्स 324A क्लॉज 1 and 2 में बदलाव किए गए हैं। सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। गुड मॉर्निंग वैभव, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी अगेन ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली, सेकेंड गलत है, क्योंकि आर्टिकल 342 है जिसमें बदलाव किया गया है, नॉट 324। सो राजीव, प्रियांशी, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यस तान्या राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन डैश विल सून लॉन्च अ स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग, भारत और डैश जल्द ही एक सुरक्षा अंतरिक्ष सुरक्षा संवाद शुरू करेंगे, जर्मनी, फ्रांस, यूके एंड जापान। बताइए कौन सी कंट्री के साथ मिलकर इंडिया स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग लॉन्च करेगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांस। और फ्रांस के साथ मिलकर हमने और क्या क्या किया है, हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप लिया है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन है, ISA का, है ना। एंड इसके अलावा जो रफेल फाइटर्स हैं, रफेल फाइटर्स जो हैं वो भी हमने फ्रांस से मंगाए हैं, राइट। चलिए, तो डिफेंस वाइज, क्लाइमेट चेंज में, अब स्पेस के सेक्टर में भी हम लोग कॉपरेशन कर रहे हैं, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, वैभव, प्रियांशी, तान्या। यस राजीव राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज इन यूज फॉर ग्रांटिंग पेटेंट टू डाबूज, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्रिएटेड बाय स्टीफन थैलर। सो साउथ अफ्रीका, USA, चाइना एंड जापान। बताएंगे पेटेंट यहाँ पर ग्रांट किया गया कौन सी कंट्री के द्वारा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका को ने उसको पेटेंट ग्रांट किया है।
यस प्रियांशी तान्या राइट ऑप्शन नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी लोग भी कमेंट करते रहिए। यस राजीव राइट, वैभव सचिन राइट ऑप्शन नहीं करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक टाइटल्ड हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इनमें से किसने हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लिखी है, प्रियंका पांच पांडे, सुधा मूर्ति, सोहिनी मित्रा एंड राकेश सिंह। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सुधा मूर्ति। यस प्रियांशी तान्य राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइन एन एग्रीमेंट विद IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड टू प्रमोट ग्रीन हाउसिंग सोल्यूशन इन इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यस वैभव सचिन राइट, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सो इस क्वेश्चन का आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB के साथ मिलकर यहाँ पर IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है। यस वैभव प्रियांशी सचिन तान्या राइट ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज़ वन 7 नेशनल अवार्ड्स ऑन द फर्स्ट वंदन एनुअल अवार्ड्स 2020-21, तो पहली बार वंदन पुरस्कार जो है इनको अनाउंस किया गया है एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो अवार्ड्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, 7 जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो किसने जीते हैं, असम, सिक्किम, मणिपुर एंड नागालैंड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज इट्स नागालैंड। यस राइट प्रियांशी तान्या सचिन वैभव, चलिए राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिसेंटली रिलीज्ड इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आकलन रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। सो सी लेवल राइज इन एशिया हैज डिक्रीज फ्रॉम द ग्लोबल एवरेज एंड जो एवरेज सर्फेस टेम्परेचर है अर्थ का, दिस विल इंक्रीज बाई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। यस प्रियांशी, प्रियांशी का आंसर अभी आ चुका है यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत है, ये जो आपका सी लेवल है राइज हो चुका है एशिया में, दिस हैज इंक्रीज फ्रॉम द ग्लोबल एवरेज, सो टू ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। यस वैभव ताने राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डे विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल जेवलिन थ्रो डे, सो नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो में, उसी दिन को सिग्निफाई करने के लिए ये दिन मनाया जाएगा। सो 8 अगस्त, 6 अगस्त, 5 अगस्त एंड 7 अगस्त बताएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 7 अगस्त। यस राइट तान्या ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियांशी वैभव सचिन बाकी लोग भी गाइस कमेंट करिए। यस राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ कॉम्पोजिट पेपर मेड ऑफ कार्बन ग्राफीन ऑक्साइड लोडेड विद प्रिजर्वेटिव्स, इट विल बी यूज्ड इन इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स, पैकेजिंग ऑफ बेकरी आइटम्स, इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क एंड नन ऑफ द अबव। यस सचिन नरसिम्हा करिश्मा राइट, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है आपका। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ ऑफ फूड्स। यस तान्या प्रियांशी राइट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यस वैभव राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये तो हमने प्रीवियस डे का रिविजन कर लिया, अब हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। सो इंडिया टू टेक पार्ट इन नेवल एक्सरसाइज विद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के साथ नौसैनिक अभ्यास में भारत पार्ट ले रहा है एंड ये नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली इनकी, भारत और सऊदी अरेबिया की पहली नेवल एक्सरसाइज है अल मोहिद अल हिंद, ठीक है, अल मोहिद अल हिंद इसका नाम है एंड जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS कोची विद इट्स 2 इंटीग्रल सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर्स, ये पार्टिसिपेट करेंगे भारतीय की साइड से एंड ये जो नेवल एक्सरसाइज है ये इंडिया की जो पॉलिसी है कि हमें जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो खाड़ी देश हैं, इनके साथ जो अपने संबंध इनको और मजबूत करना है, उसी नीति का ये एक हिस्सा है। सो अभी इंडियन नेवी और यूएन नेवी ने एक बायलेटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था 7 अगस्त को ही थी, जायद तलवार 2021 आपको याद आ रहा होगा। इसके अलावा इंडिया जो है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है उसको यूएई और सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट करने का भी प्लान कर रहा है, तो याद रखिएगा।
क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड डैश आर टेकिंग पार्ट इन द फर्स्ट एवर एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंद. सो यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड ईरान, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फटाफट से बताइए. सो करेक्ट आंसर विल बी किसके साथ कर रहा है ये, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, सऊदी अरेबिया के साथ ही की जा रही है. यस राइट ताने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. यस वैभव राइट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. प्रियांशी राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, कैशिफाई ने राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है. राजकुमार राव आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस एक्टर है ये. एंड कैशिफाई जो है ये रिकॉमर्स मार्केट प्लेस है स्मार्टफोन का. एंड राजकुमार राव ने एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कंपनी के साथ जो है साइन किया है. तो ये जो है कि जो भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अब इनके प्रोडक्ट्स को कैंपेनिंग और प्रमोशन एक्टिविटी के थ्रू प्रमोट करेंगे. तो अभी कैशिफाई ने यूनिशॉप को जो है एक्वायर कर लिया था ताकि अपनी सर्विसेज को ये और ज़्यादा जो है यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सके. इसके अलावा कुछ और ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर अपॉइंट किए गए, जैसे मिंत्रा ने ऋतिक रोशन, विजय देवरकोंडा, दल के सलमान इनको अपने नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है. ज्वेलरी ब्रांड जिया ने वानी कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है. द स्लीप कंपनी ने अनिल कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है. वहीं इंडियन हॉकी प्लेयर जो वंदना कटारिया हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड का. सो ये भी सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैशिफाई. कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ऋतिक रोशन, राजकुमार राव, अनिल कपूर एंड वंदना कटारिया, बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज राजकुमार राव को कैशिफाई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है. यस ताने राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. बाकी लोग भी गाइस कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पे करेक्ट आंसर. यस प्रियांशी, वैभव राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो एज पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सतेज पाटिल, जो अवार्ड हैं ये 20 अगस्त को अनाउंस किए जाएंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की जो है बर्थ एनिवर्सरी है. एंड जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो अवार्ड हैं ये इंस्टीट्यूशन और कंपनीज को दिए जाएंगे फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन आईटी सेक्टर. इन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि ये नासकॉम जैसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे ताकि जो अवार्ड की मोडालिटीज़ हैं कि किस बेसिस पर अवार्ड दिया जाएगा वो सब क्या तौर तरीके होंगे उस पर यहाँ पर चर्चा की जा सके. तो ये जो अवार्ड है ये 30 अक्टूबर से पहले ही दिया जाएगा एंड अगले साल से फिर 20 अगस्त को दिया जाएगा. अभी पहली बार है तो इसीलिए 30 अक्टूबर से पहले ही अनाउंस करके फिर उसके बाद दिए जाएंगे. अगले साल से 20 अगस्त को ही दिए जाएंगे, विच इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी. सो महाराष्ट्र आईटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसको अपॉइंट किया गया है नोडल एजेंसी अवार्ड को प्रपोज करने के लिए. एंड इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ दिन बाद अनाउंस किया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड कर दिया. तो इसी के चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो है एक राजीव गांधी के नाम पर ही पुरस्कार जो है इसको इंस्टीट्यूट कर दिया है. सो राजीव गांधी जो है इन्होंने 6th प्राइम मिनिस्टर जो है एज सर्व किया है फ्रॉम 1984 टू 1989 और ये इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे एट द एज ऑफ 40. और क्वेश्चन आपको कई बार इसलिए भी पूछा जाता है इस तरह से कि इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे या इंडिया के ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे. ठीक है, सो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग पोर्शन में आपको कवर कराती हूँ ताकि अलग से आपको ना पढ़ना पड़े. सो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रिसेंटली अनाउंस्ड द राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उड़ीसा गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट एंड केरला गवर्नमेंट, बताएंगे राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट. यस सचिन, तान्या, प्रियांशी, वैभव राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट सिटिंग एंड फॉर्मर MPs एंड MLAs कैन नॉट बी विदड्रॉन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विदाउट प्रायर ऑर्डर्स फ्रॉम द स्टेट हाई कोर्ट्स.
तो यहाँ पर तीन सुप्रीम कोर्ट के जो तीन सदस्य जो बेंच थी, तीन जज की बेंच, तो इन्होंने कहा कि जो भी अगर क्रिमिनल केसेस हैं, चाहे वो फॉर्मर एमपीज या एमएलएज हो या फिर करंटली सर्व करने वाले एमपीज या एमएलएज हो, तो इनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केसेस हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं कर सकती है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बिना। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एंड वो किसी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है और उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस चल रहा है, तो यहाँ पे यूपी सरकार जो है बिना इलाहाबाद हाई कोर्ट के या फिर प्रयागराज हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल केस विड्रॉ नहीं कर सकती है। ठीक है, सो ये जो जज जो बेंच है इसमें तीन जजेस कौन कौन थे, इसमें एक तो हमारे करंट सीजेआई हैं, एनवी रमना है, एंड इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत और विनीत सरन इसमें मौजूद थे बेंच में। सो सुप्रीम कोर्ट जो है एक पिटीशन को सुन रहे थे जिसमें लिखा था कि डायरेक्शंस क्या होने चाहिए कि जो कन्विक्टेड एमएलएज एमपीज हैं इनको इलेक्शन से कंटेस्ट करने के लिए जो है कैसे डिबार कर सकते हैं, क्या उसके लिए डायरेक्शंस होने चाहिए और उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स और जो स्पीडी डिस्पोजल है उनके केसेस के लिए अगेंस्ट देम, तो वो कैसे उन सबको देखना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें दोषी विधायक और सांसदों को जो आजीवन चुनाव लड़ने से रोकना और विशेष अदालतों स्थापित करने और उनके खिलाफ मामलों के त्वरित निपटान का निर्देश देने की मांग की गई थी बेसिकली। सो एक सीनियर लॉयर है विजय हंसारिया जो कि एमिकस क्यूरे हैं, जो इसमें आपको फ्रेंड होते हैं जो कोर्ट के इन दिस केस, तो उन्होंने कहा कि द इशू ऑफ विड्रॉल ऑफ केसेस अगेंस्ट 61 लीडर्स बाय द ऑर्डर ऑफ कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। हुआ क्या था कि कर्नाटका जो सरकार थी उसने 61 लीडर्स के अगेंस्ट जो केसेस थे उसको विड्रॉ किया था, तो उसी इशू को यहाँ पर कंसिडर किया जाना है। सो ही रिक्वेस्टेड सुप्रीम कोर्ट दैट इट मस्ट पास ऑर्डर्स दैट विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से कि भाई जो भी आपका कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट है, जब तक उसके ऑर्डर नहीं आते हैं स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता है या कोई भी केसेस यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकता है अगेंस्ट द कन्विक्टेड एमपीज या एमएलएज। समझ में आ रहा है आप सभी को गाइस कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे? सो द सुप्रीम कोर्ट एज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ चार्ट ऑफ जजेस पेंडिंग केसेस डिस्पोज ऑफ केसेस बिफोर दिस कोर्ट एंड लिस्टेड द मैटर फॉर फर्दर हियरिंग टू अगस्त 25। तो उन्होंने कहा कि जो आगे की सुनवाई है उसे 25 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर लीजिए और बाकी जो भी जजेस हैं, पेंडिंग केसेज हैं, जो भी केसेज आपके निपट गए हैं वो सबकी यहाँ पर लिस्ट जो है चार्ट यहाँ पर सबमिट करें सुप्रीम कोर्ट को, या हाई कोर्ट को यहाँ पर आदेश दिया गया है। सो क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट सिटिंग एंड फॉर्मर एमपीज एंड एमएलएज कैन नॉट बी विदड्रॉन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विदाउट प्रायर ऑर्डर्स फ्रॉम डैश स्टेट हाई कोर्ट्स, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा और पूर्व सांसद और विधेयकों के खिलाफ आपराधिक मामले राज्य सरकारों द्वारा डैश के पूर्व आदेश के बिना वापस नहीं लिए जा सकते हैं। सो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए दैट इज स्टेट हाई कोर्ट्स। यस वैभव राइट, सचिन तान्या राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडिया जो है यहाँ पर ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी किया गया है इसमें 181 कंट्री में 122वीं रैंक है इंडिया की, 122 रैंक है एंड इसको कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा रिलीज किया गया है ताकि जो यंग पीपल हैं उनकी क्या हालात है उसके बेसिस पर रैंकिंग दी जा सके। सो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान, इंडिया, रशिया, इथोपिया और बुर्किना फासो ये टॉप 5 इम्प्रूवर्स रहे हैं 2010 से लेकर 2018 के बीच में। सो 156 कंट्रीज़ जो है इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अपने स्कोर में दिखाया है। ग्लोबल एजुकेशन स्कोर जो है ये 3% बड़ा है और जो पीस और सिक्योरिटी स्कोर है ये 3.41% बड़ा है। 2010 से लेकर 2018 के बीच में कुछ कंट्रीज़ ने डिक्लाइन यहाँ पर शो किया यूथ डेवलपमेंट में, जैसे सीरिया, यूक्रेन, लिबिया, जॉर्डन, लेबनान, मतलब इन कंट्रीज से आप एक्सपेक्ट भी और क्या कर सकते हैं राइट, जैसे यहाँ पर हालात हैं। सो सीरिया, यूक्रेन, लिबिया, जॉर्डन, लेबनान, यहाँ पर यूथ डेवलपमेंट डिक्लाइन हुआ है। इस रैंकिंग को सिंगापुर ने टॉप किया है, ज़्यादातर ऐसे ही कंट्रीज टॉप करती हैं, या तो सिंगापुर, सिंगापुर, थाईलैंड की कंट्रीज टॉप करती हैं या फिर आपकी जो नॉर्वेगियन कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्वे है, आपका फिनलैंड है, ये सब टॉप करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा स्लोवेनिया और जो नॉर्वे है इनकी दूसरी और तीसरी रैंक आई है। ठीक है,
तो स्लोवेनिया, नॉर्वे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। सो इंडेक्स जो है ये कंट्रीज को रैंक करती है बेस्ड ऑन देयर स्कोर, जो उनका स्कोर आता है। तो स्कोर जीरो आया तो सबसे कम, स्कोर वन आया तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बेटर है। सो इस अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस इन यूथ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, पॉलिटिकल और सिविक पार्टिसिपेशन, यानी कि वो युवा शिक्षा कितनी है, रोजगार कितना है, स्वास्थ्य कैसा है, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी कैसी है, इनके बेसिस पे, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे स्कोर यहाँ पे कंट्रीज को दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कि इट यूजेस 27 इंडिकेटर्स बेसिकली इंक्लूडिंग लिटरेसी एंड वोटिंग टू रैंक कंट्रीज। तो इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई है, सिंगापुर की है, दूसरी स्लोवेनिया की है, तीसरी नॉर्वे की है और चौथी यहाँ पर भारत की है। गुड मॉर्निंग अमन, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। सचिन, इसमें यूथ डेवलपमेंट, अगर देखिए अगर जापान में यूथ डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऑफकोर्स उसकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे यूथ डेवलपमेंट से आपका क्या मतलब है, मतलब कि यू आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन वाइज और कैसे, ठीक है। यहाँ पर बात चल रही है कि इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी कितना है, वोटिंग कितना है, हेल्थ के क्षेत्र में कितना कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे। सो वॉट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 अमंग 181 कंट्रीज। सो 112, 144, 136 एंड 122 बताएंगे। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में 181 देशों में भारत का रैंक क्या है बताएंगे, 112, 144, 136, 122। यस सचिन, राइट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 122, बिल्कुल सही है, राइट। यस वैभव तानिया, राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंदौर बिकम्स फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया। इंदौर को डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया की पहली वाटर प्लस सिटी। तो इंदौर वैसे भी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। सो अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइंस ऑफ वाटर प्लस प्रोटोकॉल, 147 स्पेशल टाइप ऑफ यूरिनल्स एंड 7 सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है सिटी में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। एंड 84 सिटीज ऑफ कंट्री जो है इन्होंने सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया था, आवेदन किया था इन्होंने कि हमें रिकग्नाइज किया जाए एज दी वाटर प्लस सिटी। सो अलग अलग पैरामीटर्स हैं यहाँ पे साफ सफाई के, जैसे कि भाई वो ODF प्लस है नहीं, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस है, ओपन डेफिकेशन फ्री डबल प्लस है या नहीं, वाटर प्लस है या नहीं, ये सारे यहाँ पर पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर जो है रैंकिंग दी जाती है अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। सो वाटर प्लस सर्टिफिकेशन ये उन्हीं सिटीज़ को दिया जाता है जिन्होंने ODF डबल प्लस, ये ODF डबल प्लस के जो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर लिया है। सो वाटर प्लस सिटीज़ रिलीज द सीवेज इनटू एनवायरनमेंट ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ये जो ऐसी सिटीज़ होती हैं जिनको वाटर प्लस का यहाँ पर सर्टिफिकेशन मिला है, ये अपना जो सीवेज है वो एनवायरनमेंट में तभी रिलीज करते हैं जब उसका पूरा उपचार हो जाता है, पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। सो क्वेश्चन देखिए, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया, कौन सा शहर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है, हैदराबाद, भोपाल, इंदौर एंड लखनऊ बताएंगे। यस अंकित, अमन, प्रियांशी, तान्या, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज इंदौर, इंदौर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन में जो रैंकिंग दी जाती है उसमें इंदौर ने 4 साल से जो है टॉप कर रहा है इंदौर, है ना, क्लीनेस्ट सिटी में। यस सचिन, तान्या, वैभव, प्रियांशी, राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये आपका हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, और मैंने आपको बताया था भारत में नेशनल यूथ, ये तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, भारत में जो नेशनल यूथ डे है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, कंफ्यूज मत होना गाइस, ठीक है, कभी ये सोचो कि इंटरनेशनल युवा दिवस है 12 जनवरी को होता था ये, तो ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद का जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर आपका जो नेशनल यूथ डे है वो मनाया जाता है, एंड इंटरनेशनल यूथ डे आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। और 1999 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इन्होंने डिक्लेयर किया था कि 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे मनाएंगे। सो पहली बार ये 1999 में सेलिब्रेट हुआ, और दिस ईयर दिस विल बी सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इन एसोसिएशन विद FAO, क्योंकि थीम में आपका फूड भी आ गया है,
तो इसलिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के साथ मिलकर FEO ने इसको मनाया था। इस ओकेजन पे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने नेशनल यूथ अवार्ड्स 2017 और 2018 को भी 18-19 को भी अनाउंस किया है। टोटल 14 अवार्ड्स यहाँ पे 17-18 के दिए गए और 8 अवार्ड्स यहाँ पे 18-19 के दिए गए। सो इन अवार्ड्स में एक मेडल सर्टिफिकेट, एक कैश प्राइज 1,00,000 रुपीज़ का हर इंडिविजुअल को दिया गया और कोई ऑर्गेनाइजेशन का अगर यहाँ पे अवार्ड है तो उसको 3,00,000 रुपये दिए गए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड एलिफेंट डे भी आपका 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश 14 अगस्त, 12 जून, 12 अगस्त एंड 11 जून, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। सो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। यस ताने, राइट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यस सचिन, प्रियांशी, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1% रिजर्वेशन फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोरोना। सो कोविड के कारण जो यहाँ पर अनाथ बच्चे हुए हैं, जिनके पेरेंट्स या कोविड की वजह से जिनकी डेथ हो गई है, तो ऐसे अनाथ बच्चों के लिए 1% रिजर्वेशन यहाँ पे एजुकेशन और जॉब्स में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर जो है फीस पे करेंगे फॉर दी ऑर्फन चिल्ड्रन प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए। सो उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है, 3 श्रेणी बनाई है अनाथ बच्चों के लिए। सो कैटेगरी ए में वो अनाथ बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स कोविड की वजह से जिनकी डेथ हो गई है एंड उनके कोई भी रिलेटिव्स या सिबलिंग्स के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैटेगरी बी में वो बच्चे होंगे जो SC ST या OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इनके पास कोई लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि भाई ये SC ST या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तीसरी कैटेगरी वो बच्चों की होगी जिनमें रिलेटिव्स जो है उनके पिता की साइड से हैं एंड उनको सिर्फ एजुकेशन में, ऐसे बच्चों को सिर्फ एजुकेशन में जो है यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, केवल पिता की ओर से रिश्तेदार बचे हैं तो ऐसे बच्चों को सिर्फ एजुकेशन रिजर्वेशन दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इसके अलावा 50 हॉस्टल जो है वर्किंग वुमेन के लिए भी सेटअप करेगी अंडर द हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन स्कीम के तहत। ठीक है, सो क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड 1% रिजर्वेशन फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोरोना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड केरला गवर्नमेंट, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट। यस तान्या, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। करिश्मा, नरसिम्हा, प्रियांशी, वैभव, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सचिन, चलिए नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट जो है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को आज लॉन्च करने वाला है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन बने हैं? अनुराग सिंह ठाकुर, ये इसको लॉन्च करेंगे जो आपकी फिट इंडिया फ्रीडम रन है। सो दिस विल बी लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसी के जो सेलिब्रेशन के तौर पर ये लॉन्च किया जाएगा। तो निशित प्रामाणिक जो है ये भी इस लॉन्च इवेंट को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा 75 डिफरेंट इवेंट्स जो हैं ये डिफरेंट हिस्टोरिकल लोकेशंस पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। सो फिट इंडिया फ्रीडम रन्स जो है दिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 744 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 75 विलेजेस। एंड एम क्या है इस फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का? दैट इज़ टू एनकरेज पीपल टू टेक पार्ट इन फिटनेस एक्टिविटी सच एज रनिंग एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर जो फ्रीडम रन 2.0 का उद्देश्य है लोगों को दौड़ और खेल जैसी फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाएंगी जैसे कि प्लेज रेंडरिंग ऑफ नेशनल एंथम, फ्रीडम रन, ये सभी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एज पार्ट ऑफ फिट इंडिया फ्रीडम रन। सो फिट इंडिया फ्रीडम रन जो 1.0 था इसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था 2020 में एंड 2019 में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था इसको? इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसको लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि 29 अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। और फिट इंडिया फ्रीडम रन 1.0 2020 में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, इसका 2.0 यहाँ पर आज लॉन्च किया जाएगा।
सो क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट विल लॉन्च नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 ऑन डैश. सो 15 अगस्त, 20 अगस्त, 29 अगस्त एंड 13 अगस्त बताएंगे. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 13 अगस्त. यस सचिन तान्या, राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये आपका हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है ताकि जो इम्पोर्टेंस एलिफेंट्स का इन आर इकोसिस्टम उसको समझा जा सके आपका क्या महत्व है. सो दिस डे आल्सो एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स. कितनी ज़रूरत है हाथियों को बचाने की, उनके संरक्षण के लिए. सो पहला एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त 2012 में मनाया गया था, ठीक है. एंड थाईलैंड बेस्ड एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन और कैनेडियन फिल्म मेकर पैट्रिशिया सिम्स जो है, इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया इस दिन पर. सिम्स जो है ये लीड कर रहे हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे को सिंस 2012. इनका जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड एलिफेंट सोसाइटी, इसने बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया है, इनकी जानकारी यहाँ पर प्रदान की है. सो WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के डेटा के अकॉर्ड अगर हम देखें तो रफली 440,000 जो एलिफेंट्स हैं ये अर्थ पर सिर्फ बचे हैं. इसमें भी जो वाइल्ड एशियाटिक एलिफेंट्स हैं इनकी जनसंख्या जो है यहाँ पर 50,000 से कम हो गई है, जो कि एक कंसर्न का विषय है. एंड जो रेड लिस्ट ऑफ IUCN लिस्ट अफ्रीकन एलिफेंट्स एज वल्नरेबल, तो अफ्रीकन जो एलिफेंट्स हैं ये आपके वल्नरेबल कैटेगरी में हैं, जबकि जो एशियन एलिफेंट्स हैं ये बेचारे एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुँच चुके हैं. सो क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व, पहला विश्व हाथी दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2010, 2011, 2012 या फिर 2013 बताएंगे. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी फॉर दैट इज 2012. यस तान्या, सचिन, वैभव, प्रियांशी सभी लोग कमेंट करिएगा इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. यस 2012 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट गिव्स अरुणाचल प्रदेश गवर्नर BD मिश्रा एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ मिजोरम. तो मिजोरम के गाइज नए गवर्नर बन चुके हैं. कौन बने हैं? अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं BD मिश्रा, इन्हीं को ही एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम. इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, इनको भी एडिशनल चार्ज दे दिया है मणिपुर का. तो मिजोरम के भी अभी गवर्नर कौन बन गया? BD मिश्रा. और मणिपुर के भी कौन बन गए हैं? सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद बन गए हैं. सो अरुणाचल प्रदेश गवर्नर BD मिश्रा, दिस ही विल परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ गवर्नर ऑफ मिजोरम हरिबाबू कामबती इन एडिशन टू हिज ओन ड्यूटीज. तो अपने ड्यूटीज के साथ साथ जो मिजोरम के गवर्नर हैं हरिबाबू कामबती, उनके अभी ये ड्यूटी परफॉर्म करेंगे. वैसे ही अभी तक मणिपुर की गवर्नर थी नजमा हेपतुल्ला, सो उनके साथ ये सिक्किम के गवर्नर जो हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे. सो गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली गिवन अरुणाचल प्रदेश गवर्नर एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ मिजोरम हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. गंगा प्रसाद हरिबाबू कंभापति, नजमा ए हेपतुल्ला एंड BD मिश्रा बताएंगे. अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज BD मिश्रा. यस तान्य, राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. प्रियांशी, सचिन, वैभव, गीता, राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने लॉन्च किया है एक साल का जॉइंट इनिशिएटिव ताकि सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट यहाँ पर बच्चों के लिए बनाया जा सके. सो एक नेशन वाइड सोशल मीडिया कैंपेन और कैपेसिटी बिल्डिंग 100,000 स्कूल चिल्ड्रन के लिए ऑनलाइन सेफ्टी, डिजिटल लिटरेसी और साइको सोशल बेसिकली सपोर्ट के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया है इन्होंने इनिशिएटिव. सो ये जो पार्टनरशिप है इसका काम यही है कि जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तौर पर सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन जो है चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. एंड इट एम्स टू इम्प्रूव द चिल्ड्रंस रेजिलियंस एंड कैपेसिटी टू एक्सेस द डिजिटल वर्ल्ड सेफली. तो डिजिटल दुनिया तक सुरक्षित रूप से पहुंचने की क्षमता को सुधार करने के लिए स्टार्ट किया गया है. इसके अलावा इट ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज ऑन वायलेंस अगेंस्ट अवेयरनेस, हमारी जो जागरूकता है उसको बढ़ाना है अगेंस्ट द वायलेंस, जो वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट द चिल्ड्रन उसके बारे में. और इसके अलावा उन बच्चों पर, फैमिलीज पर, कम्युनिटीज़ पर उसका क्या असर पड़ता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए.
तो फेसबुक आप जानते हैं एक ऑनलाइन अमेरिकन सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। मार्क ज़करबर्ग ने इसको 2004 में फाउंड किया था। इसकी जो है हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में लोकेटेड है। बात करें हम यूनिसेफ की तो ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो 11 दिसंबर 1946 में क्रिएट हुई थी। हेडक्वार्टर के न्यूयॉर्क यूएस में है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो हेनरिएटा एच फॉरे हैं। इसके अलावा यूनिसेफ जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए काम करता है एंड जो आपका पॉलिसीज़ हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन इंक्लूजन के लिए उनको ही प्रमोट करता है। सो क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड वन ईयर जॉइंट इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ इंडिया टू बिल्ड अ सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन? फेसबुक, गूगल, अमेजॉन एंड ट्विटर। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज फेसबुक। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस तान्या, सचिन, वैभव, गीता, प्रियांशी, राइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर बालाजी तंबे डाइड एट द एज ऑफ 81। एक रिनाउंड ये आयुर्वेद आचार्य हैं डॉक्टर बालाजी तांबे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। एंड ये एक काफ़ी फेमस स्पिरिचुअल लीडर थे, आयुर्वेद डॉक्टर थे और योग के प्रस्तावक थे। एंड इन्होंने आत्मा संतुलन विलेज जो है इसको फाउंड किया है जो कि एक हीलिंग सेंटर है लोनावला के पास में। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी, योगा और आयुर्वेदा पे काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। सो क्वेश्चन देखिए, बालाजी तांबे जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया 81 वर्ष की आयु में, ये फेमस कौन थे? एनवायरमेंटलिस्ट, आयुर्वेद आचार्य, सोशल एक्टिविस्ट एंड ट्राइबल लीडर। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ही वॉज अ फेमस आयुर्वेद आचार्य। यस सचिन ताने, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता, प्रियांशी, वैभव, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडियन टीम विंस यूएस इनोवेशन अवार्ड। तो भारतीय टीम ने यूएस इनोवेशन अवार्ड जीत लिया है। तो सॉफ्टवर्दीज टीम ने नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड यूएस में जीत लिया है। एंड जो टीम है ये एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी जिसका एम था कि जो कंप्यूटेशनल मेथड है स्टोकेस्टिक मॉडलिंग डिजाइन सिमुलेशन एंड सेंसिटिव एनालिसिस के लिए उसको डेवलप किया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक पीसीबीज। पीसीबीज के लिए एक कंप्यूटेशनल मेथड यहाँ पर बनाया गया है। तो सॉफ्टवर्दीज इनोवेशन ये जो नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम जो बनाना चाहते हैं उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। सॉफ्टवर्दी जो है ये 2020 में फाउंड हुई थी एंड इसने डेवलप किया है कटिंग एज साइंटिफिक कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस टूल ताकि जो भी मुश्किल से मुश्किल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में उसको यहाँ पर जो है पूरा सॉल्व किया जा सके प्रॉब्लम्स को। एनएसएफ जो है ये एक यूएस फेडरल एजेंसी है, इसने आई कॉप्स प्रोग्राम क्रिएट किया था ताकि साइंटिफिक इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। सो इट रिड्यूसेस द टाइम टू शेप न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजीज। तो नए आइडियाज़ और जो भी आपके प्रौद्योगिकी हैं इनको आकार देने में जो समय लगता था वो कम ये कर सकता है। सो एनएसएफ आई कॉप्स टीम अवार्ड जो है ये इनोवेटर्स को दिया जाता है यूएस में जिनकी जो रिसर्च ऐसी है जिससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बेसिस पर। सो क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच कंपनी टीम हैज़ वन द प्रेस्टिजियस नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉप्स टीम्स अवार्ड्स इन यूएस? हाल ही में किस कंपनी की टीम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉप्स टीम अवार्ड जीता है? सॉफ्टवर्दी, फार्म इजी, मीशो एंड एडमियर। बताएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज सॉफ्टवर्दी। सो गाइस, सेशन हमारा यहाँ पर एंड होता है एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। गाइस, सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो हम लोग मिलेंगे कल फिर करंट अफेयर्स के सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट गाइज एंड